हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मैथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मैथड। ओके, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये 4 केसेस गिवेन है। इन 4 केसेस को हमको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों से ही सॉल्व करना है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका केस नंबर 1 है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको करना क्या होता है कि जो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों ही इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में वाई पॉजिटिव है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में वाई नेगेटिव है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो y के कोफिशियंट है उनको सेम बना लें, जिससे हम इसको ऐड करने पे डायरेक्ट ही y का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करने क्या वाले हैं, हमको इक्वेशन नंबर 1 में जो y है उसका कोफिशियंट को 3 करना है हमको। तो हमको उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3 का। ओके, और इक्वेशन नंबर 2 में हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 1 का। राइट, ओवरऑल हमको जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है उस वेरिएबल का जो कोफिशियंट होता है, जिस यहाँ वाई का कोफिशियंट 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर 2 के साथ कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 में जो वाई का कोफिशियंट 3 है उसका मल्टीप्लिकेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ कर दिया। यही हमको एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होने पर ये हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 में हम सॉरी 2 में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो एज इट इज बनी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, इज इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ पर y का जो कोफिशियंट है वो दोनों ही जगह सेम हो गया। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 19/5। अब इस 19/5 जो वैल्यू है x की, हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करें, हमको कैलकुलेशन कम मिलेगी। ठीक है, तो हमने x को रिप्लेस किया 19/5 से, तो x की जगह हमने पुट किया 19/5 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 5, या y इज इक्वल टू ये हो गया 5 माइनस 19/5, या y इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस 19 अपॉन 5, या 25 माइनस 19 हमने किया तो हमारे पास बचा 6 अपॉन 5। तो इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को या इसी केस नंबर 1 को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं और उससे भी हम देखते हैं हमारा आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, तो हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमको गिवन है यहाँ पर, x प्लस y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जानते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करना होती है। तो हम बाय इक्वेशन नंबर 1 हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5 माइनस ऑफ y, और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 2x यहाँ पर x को हमने रिप्लेस किया 5 माइनस y से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस y माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 4। टू का द मल्टीप्लिकेशन क्या हो, ये हुआ 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 3y माइनस 2y मिलकर हो गया माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 4, और 10 को हमने ट्रांसफर किया तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 10। ओके, या माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 10, दैट इज माइनस 6, या y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारे पास 6 अपॉन 5। हमने यहाँ चेक किया दोनों ही y की वैल्यू यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम ही निकली है। ठीक है,
अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने y निकाला है, हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम 1 में ही पुट करते हैं, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन शॉर्ट होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 5। हमने y को रिप्लेस किया 6/5 से इज इक्वल टू 5, या x इज इक्वल टू 5 - 6/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 5 5 = 25, माइनस ऑफ 6/5, या फिर x इज इक्वल टू 25 - 6 होगा 19/5। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के केस नंबर 1 को बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही सॉल्व कर लिया, जिससे में दोनों से ही हमको सेम ही आंसर मिले हैं। ओके, अब इसके बाद हम केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2 में हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो कि है 3x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमको 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर भी हम देखें, जो y के कोफिशियंट है, एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है, तो हमको यही कोशिश करते हैं कि y के जो कोफिशियंट है उनको हम सेम बनाएं। तो ये हमने नाम दी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 का। ठीक है, इससे होगा क्या, जो y का कोफिशियंट है वो सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 2 हो गया 6x प्लस ऑफ 4 2 8y इज इक्वल टू 10 2 20। राइट, इक्वेशन नंबर 2 में हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगी 4 2 8x माइनस 4 2 8y इज इक्वल टू 4 2 8। राइट, अब दोनों ही इक्वेशन को हमने आपस में ऐड कर दिया तो 8y से 8y कैंसिल, बचा हमारे पास 8 + 6 दैट इज 14x इज इक्वल टू 20 + 8 दैट इज 28, या x इज इक्वल टू हो गया 28/14। ये 14 2 हो गया 28, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जो कि है 2। ठीक है, अब इस 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे ही पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x को 2x = 2, तो ये हो जाएगा 2 × x के प्लेस में हमने पुट किया 2 माइनस ऑफ 2y = 2। 2 2 4, या माइनस 2y = हो गया 2 - 4। ओके, या माइनस 2y = -2, या y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y = 10, और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 को कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x - y = 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 से नाम दिया था तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि ये इसी का ही फॉर्म है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि होगी 1 + y, और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमने x को रिप्लेस किया 1 + y से प्लस ऑफ 4y = 10। 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 1 3 प्लस 3y + 4y = 10। 3 + 4 ये हो गया हमारे पास 7y = 10 - 3, जो कि अगेन हो गया 7। y = हमको मिल गया है 1। तो देखिए y की वैल्यू दोनों ही जगह से, दोनों ही मेथड से सेम आई थी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 में ही पुट कर दें, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने y को रिप्लेस किया 1 से = 1। ठीक है, 1 यहाँ ट्रांसफर हुआ तो x = हो गया 1 + 1 2। ओके, तो देखिए दोनों ही मेथड से x और y की वैल्यू सेम आई। इसी तरह हम केस नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 है जिसमें हमको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x - 5y - 4 = 0, और 9x = 2y + 7। पहले हम इन दोनों ही इक्वेशन को पहले अरेंज कर लेते हैं, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो 3x - 5y = हो जाएगा 4, और सेकेंड इक्वेशन में हम 9x
टू बाई को ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का टू बाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर वन और इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब यहाँ पर x x दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे y y दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो हम किसी को भी इक्वल बना लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर वन में हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा नाइन का और इक्वेशन नंबर टू में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा थ्री का, जिससे x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर वन में हमने नाइन का मल्टीप्लिकेशन करें तो नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एक्स, ठीक है, नाइन फाइव ज़ा माइनस फोर्टी फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स। ओके, और इक्वेशन नंबर टू में हमको मल्टीप्लिकेशन करना थ्री का तो नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस ऑफ थ्री टू ज़ा सिक्स वाई इज इक्वल टू सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन। ठीक, दोनों इक्वेशन के साइन चेंज करके हम ऐड कर देते हैं तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव किया, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, और इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो जो एक्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा वाई। यहाँ पे 45 वाई है, यहाँ पे प्लस का 6 वाई है, सेपरेट हुआ तो बचा हमारे पास माइनस ऑफ 39 वाई इज इक्वल टू 6 माइनस वन 5, 3 माइनस टू 1। ओके, यहाँ वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 15 अपॉन 39 माइनस ऑफ, हम इसको 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 वाई 9। हमने y की वैल्यू निकाल ली है, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 5 बाई 13। ठीक है, अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अंदर आगे सॉल्व किया इसे तो ये हो गया हमारे पास 3x 5 5 ज़ा 25 पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 13 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 13 3 ज़ा या 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 कैरी ओवर 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। ओके, या 39x इज इक्वल टू हो गया 52 माइनस ऑफ 25, सेपरेट किया इसको, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 दैट इज 27, या x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 27 अपॉन 39। इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 9 ज़ा 27 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई है, हम यही लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 9 बाई 13। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास 3x माइनस ऑफ 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या हम यही फॉर्म डायरेक्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4 कर देते हैं इसे। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हम यही यूज ले लेते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, अब इक्वेशन नंबर वन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 5y। ठीक, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर टू में पुट किया, हम इक्वेशन नंबर टू में 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, ओके, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब 3x को हमने रिप्लेस कर दिया 4 प्लस 5y से तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5y इज माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, 3 4 ज़ा 12 माइनस सॉरी प्लस 5 3 ज़ा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 माइनस 2y हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 12, नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पर, 7 सेपरेट होके बचेगा 5 माइनस का 5, या y की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 5 बाई 13। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से ही y की यही वैल्यू आई थी, मतलब हमारा y का जो रिजल्ट है वो सही है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन या टू किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं अब। ठीक है,
तो हमने y को रिप्लेस किया माइनस 5 बाय 13 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2 इन टू माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू 7। अंदर मल्टीप्लीकेशन किया 9x 5 टू जो हो गया प्लस 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7। 13 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 13 नाइन जो हो जाएगा 117x प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 13 सेवन सेवन जो तो 7 थ्री जै 21 कैरी ओवर 2 7 वन जै 7 प्लस 2 9 91। ठीक है, यह 117x इज इक्वल टू 91 माइनस 10, तो ये बचेगा हमारे पास 81। ओके, यह x इज इक्वल टू हो गया 81 अपॉन 117, ठीक है, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हमने डिवाइड किया 9 नाइन जा 81 अपॉन 9 वन जा 9 कैरी ओवर 2 9 थ्री जा 27। तो देखिए x की वैल्यू भी हमारे पास 9 बाय 13 ही आई, राइट। तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट सही है। अब इसी तरह हम केस नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 4 इस क्वेश्चन का, x अपॉन 2 प्लस ऑफ 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, और इसी की सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक, सॉल्व करने से पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3x इंटू 3 इंटू x हो गया हमारे पास 3x प्लस 2 टू ज 4y इज इक्वल टू 3 टू ज 6। इस 6 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह हमने 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 थ्री ज 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x जो है वो दोनों ही इक्वेशन में सेम है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव है उससे नेगेटिव किया, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, और इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो जिससे 3x 3x एलिमिनेट हो गया। ये बचा 4y प्लस y मिलकर हो गया 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 दैट इज माइनस का 15। यह y की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस ऑफ 3। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास 3x, ये लिख लेते हैं 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। ये आगे सॉल्व किया 3x 4 थ्री जो हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। 12 को ट्रांसफ़र किया तो 3x इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव का हो जाएगा, बचेगा प्लस का 6 या x इज इक्वल टू मिला हमें 3। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसे रीअरेंज करने के बाद 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस ऑफ 4y। इस वैल्यू को हमने रिप्लेस किया इक्वेशन नंबर 2 के 3x से। तो 3x के प्लेस पर हमने लिख दिया माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9। माइनस 4y माइनस y मिलकर हो गया माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, और 6 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आके ये हो जाएगा प्लस का 6। यह हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू 15 या y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही y की जो वैल्यू है वो 3 आई है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। हम y की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं, तो हम 2 में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस y की जगह हमने पुट किया माइनस का 3y 3 इज इक्वल टू 9, या ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, या 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6, या x इज इक्वल टू 6 बाय 3, तो मिला हमको 2। तो दोनों ही मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें वेरिएबल की वैल्यू सेम आई। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है और
एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।